आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कार्स लगी हैं, ठीक है। कैमरा बंद कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। आप मैंने माय नेम इज रोहन कृष्ण चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेसी ब्लॉग्स। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सर अभी सीन को जैसा है कि ये है मेरी वैगन आर, ठीक है। बहुत टाइम से इसकी सर्विस नहीं हुई है, तो पापा से ले आते थे बैंक और अब इसकी सर्विस करानी थी, तो पापा ने कहा कि तू ले जा, तो आज मैं ले जा रहा हूँ वैगन आर। तो इसका पूरा डिटेल रिव्यू बनाऊँगा, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी इसकी के कितनी इसमें इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ी, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या खराबी है इसके अंदर और क्या क्या सुधार होगा, ठीक है। ए टू जेड पूरा रिव्यू बताऊंगा आपको, ये पूरी वीडियो आप एंड तक देखना, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूँ अजीतपुर रोड पे, आप देख सकते हो ये अजीतपुर रोड है, ठीक है, पूरा देख रहे हो। तो अभी मैंने यहाँ पर शूट लेने के लिए ये गाड़ी खड़ी करी है, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट शोरूम और फटाफट शोरूम जाके आपको मैं एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। चलो फटाफट चलते हैं आप शोरूम। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट जाके पिछला ब्लॉग देखो, क्योंकि यार पिछले ब्लॉग में पता करने गया था मारुति शोरूम पे, जो कि सैटरडे को मैंने शूट करा था और सैटरडे की शाम को अपलोड कर दिया था कल, आज है संडे। तो मारुति शोरूम पे मैं ये पता करने गया था कि शोरूम जो है आज संडे को खुलेगा या नहीं और क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगी। तो टाइमिंग सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं था ना शोरूम, इसलिए मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी। तो अब चल रहा है फटाफट और आपको दिखाऊंगा मैं, ये शहजाद नगर में पड़ेगा, शहजाद नगर की एंड में, साइड लेफ्ट एंड पे। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, फटाफट जाके पिछला ब्लॉग देखो, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अंकल सर्विस होनी है जी, सर्विस होनी है। सैनिटाइजर, ये बढ़िया सिस्टम है यार। टाइम क्या बोल सर हमारे? टाइम सही मैं बता रहा हूँ, चेसिस नंबर और देखना, चेसिस नंबर यहाँ है, चेसिस नंबर आगे होगा वो नेट तो आगे, हाँ खोलना है बोर्ड। My heart rages around like an ocean in my head.
सर अभी मैं आ चुका हूँ वर्कशॉप में, यहाँ पे मारुति सुजुकी की, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कार्स लगी हैं, ठीक है, सर्विस होने के लिए, ठीक है, देख रहे हो। सर्विस होने कैमरा बंद कर दीजिए आप। सर भैया अलाउ नहीं है, वैसे यूट्यूब के लिए रखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मैंने सब बात कर लीजिए आप। ओके ओके सर, यहाँ पर मुझे शूट करने से रोक दिया गया। रोक क्यों दिया गया? क्योंकि यार रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे नहीं थे कि यहाँ पर मुझे शूट करने से, वो वहाँ पे लिखा भी था, उन्होंने मुझे दिखाया बोर्ड पे कि यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है, और मैंने उनको समझाया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करिए, आप जो मैनेजर हैं वर्कशॉप के उनके पास जाइए, उनके पास जाके उनसे परमिशन ले लीजिए। मैंने चलिए कोई बात नहीं, फिर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करी, वो चीज़ उन्होंने मना कर दिया था शूट करने को। फिर मैं गया वहाँ पे मैनेजर के पास, तो मैनेजर से मैंने बताया कि मैं गाड़ी की सर्विस कराना आया हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा शूट लेना चाहता हूँ, सर्विस कॉस्ट वगैरह बताऊँगा, तो उन्होंने भी मना कर दिया, कहा कि बिल्कुल कुछ ऐसे नोट्स नहीं हैं जो आप शूट कर सकें, आप गाड़ी की सर्विस कराइए, बस आप शूट नहीं कर सकते। तो ये बात उनकी ठीक भी थी, पर हाँ थोड़ी मुझे समझ में नहीं आई वो ये कि हम अपनी गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं तो गाड़ी के बारे में ही शूट नहीं कर सकते हम क्या, तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगी। और एक बात और, जैसे हम गाड़ी लेने आते हैं कभी तो सब फोटोज वगैरह लेते हैं, शूट वगैरह लेते हैं, वीडियोज वगैरह, तो वो भी अलाउड नहीं होता है फिर, तो वो मुझे ये बता रहे कि पूरे कैंपस में मारुति सुजुकी के पूरे कैंपस में शूट लेना अलाउड नहीं है। तो इसके बाद हमने फिर आएगा थोड़ा शूट किया जो हम कर पाए, बाकी हमने शोरूम के अंदर का कम से कम ही शूट किया, जो अभी होगी अब आप देखोगे। सर्विस होनी है उसकी, हाँ स्लिप दी है, मैं बात कर लेता हूँ। जब इसको ना भी स्टार्ट करते हैं तो अजीब सी साउंड खड़खड़ ऐसे, और इसमें पिकअप प्रॉब्लम सेकेंड या थर्ड गियर में। वही मैं पहुंच चुका हूँ फाटक पे, अब जा रहा हूँ सीधे घर, आपसे मैं घर पे मिलता हूँ, ठीक है। जब मैं घर आया तो ना ही कुछ शूट करने को मिला मुझे, और ना ही मैं आपको कुछ बता पाया, जो कि आप आगे देख ही लो तो वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि घर पे चल रहा है बहुत सारा पेंट वगैरह हो रहा है और काम हो रहा है, सब चीज़ें फैली पड़ी थी, केवल ड्रॉइंग बुक है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ बढ़िया से, जो भी आपको वीडियो शूट वगैरह करता हूँ, वीडियो एडिट वगैरह यहीं कर लेता हूँ, स्पेस नहीं पूरे रूम में। और उसका एक रीज़न और भी था कि बाइक लेके भी मैंने आपसे कहा था ना मैं बाइक लेके जाऊँगा, बाइक लेके भी नहीं गया मैं, रिक्शा से मैं दोबारा वहाँ गया, और दोबारा वहाँ रिक्शा से गया, मैं आपको बताया था, क्योंकि वहाँ से पापा ने मुझे बताया कि वहाँ पे जाके शोरूम से सीधे गाड़ी लेके वहाँ चले आना जहाँ पे रिचार्ज होता है गाड़ी का, फास्टैग का, तो फिर मैं वहाँ चला गया। तो आपको आगे वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा पूरा। अभी सीन कुछ ऐसा है, मैं जा रहा हूँ दोबारा मारुति शोरूम, ठीक है, गाड़ी पिक करने के लिए, तो अब देखते हैं फटाफट चलते हैं क्या क्या काम हुआ वहाँ पे, और आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, तो फटाफट चलते हैं आप। सर अभी मैं बैठ गया हूँ रिक्शा में, अब जा रहे हैं फटाफट यहाँ से शहर नगर, और शहर नगर जाके देखते हैं गाड़ी में क्या काम हुआ है, कुछ क्या रेट पड़े, चलते हैं फटाफट आगे।
देख रहे हो मेरे पीछे है मारुति शोरूम। अब चलेंगे अंदर, सर्विस कॉस्ट वगैरह पता करके आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अंदर जो है रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। जाते वक्त जो टोल पड़ता है वहाँ पे इसका फास्टैग का रिचार्ज करवाएंगे, तो चलते हैं आगे। और वहाँ पे जाने के बाद आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊँगा, कितना खर्चा आया, क्या आया। तो चलो चलते हैं फटाफट आगे। सर गाड़ी की सर्विस हो गई और अभी टाइम हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी टाइम हुआ है 5:48 और देख रहे हो मॉर्निंग में 10:30-11 गाड़ी हमने यहाँ दे दी थी और इतना टाइम लग गया अभी। तो मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं चलता हूँ यहाँ से मुरादाबाद रोड पे, जो मुरादाबाद रोड पे जो टोल पड़ेगा वहाँ पे इसका जो फास्टैग लगाया, आप देख सकते हो, देख रहे हो आप, ये जो फास्टैग लगा है इसको रिन्यू करवाएंगे और इसका रिचार्ज जो है ख़त्म हो गया है। तो चलते हैं फटाफट, अभी मैं हूँ शहजाद नगर से, यहाँ से निकल के सीधा बाईपास पकड़ के दिल्ली रोड NH9 सीधा वहीं चलेंगे। 6 बजने वाला है और शाम का टाइम है बिल्कुल, और देख रहे हो उधर सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये NH9 है बाईपास, जो कि इधर बरेली रोड से और आगे रामपुर रोड से मिल जाता है, और सीधे चले जाओगे तो आप मुरादाबाद और दिल्ली की तरफ पहुँच जाओगे। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, ये अभी इधर था और एकदम जैसी रोड टर्न हुई इधर आ गया, कितना प्यारा लग रहा है ये। हम पहुंच चुके हैं टोल गेट पे, तो आपको दिखाता हूँ सामने टोल गेट है। तो अब यहाँ पे जस्ट साइड में इसके ऑफिस है यहाँ पे सामने, तो वहाँ पे जाके हम इसका रिचार्ज करवाएंगे। तो आपको फुल कॉस्ट बताऊँगा क्या क्या, कितने का रिचार्ज पड़ा और कितने का पड़ा मुझे, ठीक है। तो चलते हैं, फटाफट अब देखते हैं रिचार्ज कितने का पड़ेगा मुझे। बंद पड़ा है, 6 बजे हो जाता है बंद। अच्छा संडे और संडे सैटरडे बंद हो गया है। अरे चलिए कोई बात यार। अभी सीन को जैसा है मैं यहाँ पे आया था, आप देख सकते हो उधर, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी मैं रिचार्ज करवाना आया था, ठीक है। और अभी जो है ये बंद हो चुका है क्योंकि बंद हो जाता है। अभी मैं अंदर गया पता चला 6:25 हो रहे हैं और 6 बजे बंद हो जाता है सैटरडे संडे को। तो यहाँ पे जब भी आओ सैटरडे को मत आओ, संडे को मत आओ, 6 बजे आओ तो 6 बजे से पहले आओ। तो अब जो मेरी सर्विसिंग कॉस्ट है उसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ एक एक चीज़, तो फटाफट आपको बताना शुरू करता हूँ। तो ये जो गाड़ी की सर्विसिंग हुई है मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी है 3,500 रुपये पड़ी है। तो इसमें मेरा क्या क्या लगा है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो मेरे को सर्विस चार्ज पड़ा है वो पड़ा है 1,450 रुपये का, और गाड़ी की जो स्कैनिंग होती है वो 450 रुपये की पड़ी है। मुझे स्कैनिंग में ये देखा जाता है, जो उन्होंने मुझे बताया, मुझे टेक्निकल तो नहीं पता, मुझे जो इंजन में कोई खामी होती है तो वो उससे पता कर लेते हैं, वो मशीन होती है पता नहीं क्या होता है।
₹450 का वो पड़ा मुझे, और बाकी इसमें इंजन ऑयल पड़ा है ₹1400 का, और इसमें ऑयल फिल्टर पड़ा है ₹100 का। तो ये जो सर्विस चार्ज पड़ा है मुझे ₹1450 का, इसमें 18% GST लगा के मुझे ये टोटल अमाउंट पड़ा है ₹3500 का। तो जो जो चीज़ें हैं मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा होगा, जो जितने इसमें मटेरियल लगा है, जो भी इसमें प्रोडक्ट्स लगे हैं वो सारे दिख रहे होंगे आपको। ये मुझे ₹3500 का पड़ा है। तो अगर आपको मुझसे और कुछ पूछना हो तो कमेंट करा करिए अच्छे अच्छे, और मुझसे पूछिए कि क्या आप जानना चाहते हैं। तो अब चलते हैं फटाफट घर की तरफ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल आर के ब्लॉग, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, बिल्कुल ही मत जाना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाते रहता हूँ। और हाँ, कमेंट ज़रूर करा करिए अगर कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं और मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।